नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, मूवीज़ ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम मेंटली कहीं भी जा सकते हैं, अपनी फेवरेट प्लेसेस विजिट कर सकते हैं इंस्टेंटली, और जो इमेजिनेशंस हम रियल लाइफ में नहीं जी सकते उनको भी हम मूवीज़ के जरिए जी सकते हैं। मूवीज़ हमारी इम्पॉसिबल और बियॉन्ड इमेजिनेशन फैंटेसीज़ और कुछ अनडिस्कवर्ड इमोशंस भी हमें फील करवा देती है। सभी मूवीज़ ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन कुछ यूनिक और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवीज़ होती है जो आंखों के जरिए सीधा दिल में उतर जाती है। तो आज ऐसी ही यूनिक कंसेप्ट और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवीज़ का पार्ट टू मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज़ विथ यूनिक कंसेप्ट इन हिंदी। दोस्तों, आप सभी ने अब तक पार्ट वन में बताई हुई सभी फिल्म्स देख ली होंगी, तो एंड तक बने रहिए और जानिए कि पार्ट टू में आपके लिए क्या खास है। टॉप 10 मूवी लिस्ट, सिनेमा न्यूज़, फैक्ट्स और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है माइंड हंटर्स। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसकी थ्रिलिंग स्टोरी और कंसेप्ट अट्रैक्टिव है, इंगेजिंग है। इस मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म की स्टोरी FBI ट्रेनीज के एक ग्रुप को फॉलो करती है। FBI की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग यूनिट माइंड हंटर्स के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें ट्रेनीज को सीरियल किलर को ट्रैक करना होता है। अब इन ट्रेनीज का ये फाइनल टेस्ट एक रियल टेस्ट, रियल चेज और सर्वाइवल स्ट्रगल में बदल जाता है जब एक रियल सीरियल किलर उनको टारगेट करता है। अब ये FBI ट्रेनीज सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे या फिर उसके हाथों मारे जाएंगे, ये आपको फिल्म देखकर पता लगाना है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से रेंट या बाय करके देख सकते हैं हिंदी में, या फिर आप अनऑफिशियल वेज में इसे देख सकते हैं। डिटेल्स आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 9 पर है इलीजियम। ये एक साइफाई एक्शन फिल्म है जिसका हाईटेक कंसेप्ट और विजुअल्स वाकई बियॉन्ड इमेजिनेशन है। ये फिल्म ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर और इमिग्रेशन, ओवर पॉपुलेशन, हेल्थ केयर जैसे सोशल इश्यूज को हमारे सामने इंटरेस्टिंग वे में रखती है। फिल्म की स्टोरी ऐसे फ्यूचर में सेट है जहां रिच पीपल एक मैनमेड लग्जरी स्पेस स्टेशन एलिजियम में रहते हैं और बाकी पॉपुलेशन को रेवेज अर्थ पर रहना पड़ता है। अब लीड कैरेक्टर मैक्स इस इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। फिल्म में लीड कैरेक्टर प्ले किया एक्सीलेंट एक्टर मैट डेमन ने, और इस साईफाई एक्शन फिल्म को अपनी परफॉर्मेंस से और भी अमेजिंग बना दिया। इस फिल्म को आप हिंदी में अमेजन प्राइम पर एंजॉय कर सकते हैं। I need to get to Elysium. Whoever has this money has the power to override their whole system. नंबर 8 पर है द 13th फ्लोर। ये एक साईफाई क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसने ईयर 1999 में ही एक अमेजिंग और अनइमेजिनेबल कंसेप्ट लोगों के सामने रखा था। द मैट्रिक्स की ही तरह ये फिल्म भी 1999 की बेस्ट साईफाई फिल्म रही थी। फिल्म की स्टोरी फॉलो करती है एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को जो एक वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन सिस्टम बनाता है, या कह सकते हैं कि वो एक कंप्यूटर जनरेटेड पैरेलल वर्ल्ड बना लेता है। वो अपनी इस डिस्कवरी के बारे में अपने पार्टनर को बताने वाला होता है, लेकिन बता नहीं पाता। वो अपने इन्वेंटेड VR सिस्टम में उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज छोड़ देता है। अब उसके पार्टनर को खुद VR सिस्टम में जाकर वो इम्पॉर्टेंट मैसेज ढूंढना है। दोस्तों, इस ब्रेन ट्विस्टिंग साईफाई फिल्म की स्टोरी में एंड तक थ्रिलिंग ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म्स पर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन गूगल प्ले स्टोर से आप इसे रेंट या बाय करके देख सकते हैं हिंदी में, या फिर आप इसे किसी लोकल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। डिटेल्स आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 7 पर है स्प्लिट। ये साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म अनब्रेकेबल ट्रायोलॉजी का सेकंड पार्ट है। इस ट्रायोलॉजी की फर्स्ट फिल्म थी अनब्रेकेबल, जो ईयर 2000 में आई थी, और इसकी थर्ड फिल्म है ग्लास, जो ईयर 2019 में रिलीज हुई है। यहाँ हम बात करेंगे 2016 में आई फिल्म स्प्लिट के बारे में। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म की स्टोरी फॉलो करती है एक मैन को जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, और मेंटली उसकी 23 डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। वो 3 गर्ल्स को किडनैप कर लेता है, और अब उन गर्ल्स को लीड कैरेक्टर की फ्राइटफुल 24th पर्सनैलिटी की अपीरियंस से पहले वहां से निकलना होगा। अब क्या उनकी ये एस्केप सक्सेसफुल हो पाएगी, इस सवाल का जवाब फिल्म देखने के बाद आपको मिल जाएगा। दोस्तों, स्प्लिट फिल्म अनब्रेकेबल फिल्म का स्टैंड अलोन सीक्वल है, यानी उससे ज़्यादा लिंक नहीं है। तो आप इस ट्रायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट देखे बिना भी सेकंड पार्ट देख सकते हैं। वैसे इस ट्रायोलॉजी की तीनों फिल्म यूनिक कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये तीनों फिल्म जरूर देखें। अनब्रेकेबल और ग्लास फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी Disney+ Hotstar पर, लेकिन स्प्लिट फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिलेगी। आप इसे प्ले स्टोर से रेंट और बाय करके देख सकते हैं, या फिर अनऑफिशियली भी आप इसे देख सकते हैं। नंबर 6 पर है चिल्ड्रन ऑफ मैन। ये एक साईफाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी पूरी स्टोरी तो नहीं, लेकिन कंसेप्ट और थीम ट्रूली बियॉन्ड इमेजिनेशन है। सोचिए, अगर ह्यूमंस इनफर्टाइल हो जाएं, अपनी जनरेशंस को आगे ना बढ़ा पाएं, तो क्या होगा।
कुछ समय बाद पूरी सोसाइटी खत्म हो जाएगी, ऐसा ही कुछ इस फिल्म में भी दिखाया गया है। फिल्म की स्टोरी ईयर 2027 में सेट है, जहां 18 ईयर्स की ह्यूमन इनफर्टिलिटी के बाद पूरी ह्यूमन सोसाइटी खत्म होने को है। ऐसे में जब एक विमन मिराकुलसली प्रेग्नेंट हो जाती है, तब लीड कैरेक्टर पर उसे सेफली उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाने की जिम्मेदारी आ जाती है। दोस्तों, ये यूनिक कंसेप्ट पर बेस्ड एक अमेजिंग साईफाई फिल्म है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। Youngest person on earth was 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours and 8 minutes old. नंबर 5 पर है सोर्स कोड। 2011 में आई ये फिल्म एक साईफाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो टाइम ट्रेवल, टाइम लूप वाले थ्रिल के साथ एक यूनिक स्टोरी, यूनिक कंसेप्ट हमारे सामने रखती है। फिल्म की थ्रिलिंग स्टोरी शुरू होती है शिकागो कम्यूटर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट से, जिसके बाद इंटेलिजेंस को ऐसा लगता है कि ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट और भी हो सकते हैं, तो अब वो आगे होने वाली ट्रेजेडीज को रोकने के साथ ही शिकागो ट्रेन ब्लास्ट को भी रिवर्स करना चाहते हैं, यानी ट्रेजेडी को होने से पहले ही रोकने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, स्टोरी के बारे में ज़्यादा स्पॉयलर्स लिए बिना आप ये फिल्म देखिए और एक माइंड बेंडिंग थ्रिलर राइड को एक्सपीरियंस कीजिए। फिल्म में लीड रोल प्ले किया जैक जिलनहॉल ने, अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से उन्होंने फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाया और सोर्स कोड को उनकी अब तक की सबसे बेस्ट मूवीज में से एक माना गया है। दोस्तों, ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिल पाएगी, इसे आप प्ले स्टोर पर रेंट या बाय करके देख सकते हैं, या फिर आप इसे लोकल वेबसाइट से देख सकते हैं। डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 4 पर है अटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड। 2004 में आई ये एक साईफाई रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो एक ट्रू बियॉन्ड इमेजिनेशन और यूनिक कंसेप्ट हमारे सामने रखती है। दोस्तों, अनइमेजिनेबल कंसेप्ट वाली रोमांटिक फिल्म्स बहुत कम ही होती हैं, ऐसी रेयर फिल्म्स में से सबसे बेस्ट है अटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड। दोस्तों, ये फिल्म वो चीज़ हमें दिखाती है जो कभी कभी हम सोचते हैं लेकिन रियल लाइफ में अभी तक वैसा कुछ पॉसिबल नहीं है। बैड मेमोरीज को हम मिटा देना चाहते हैं लेकिन अभी टेक्निकली ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा पॉसिबल हो पाता है। फिल्म की स्टोरी एक कपल को फॉलो करती है, जब उनके रिलेशंस बिगड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, तब वो एक मेडिकल प्रोसीजर के जरिए एक दूसरे को अपनी मेमोरीज से इरेज करवा लेते हैं, लेकिन ये डिसीजन सही होता है या गलत, ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही थी, बहुत से अवार्ड्स इस फिल्म ने जीते थे और 21st सेंचुरी की सबसे बेस्ट फिल्म्स में से एक होने का टाइटल भी इसे मिला था। नंबर 3 पर है वॉली। ये एक एनिमेटेड साईफाई रोमांस फिल्म है। ये स्वीट सी एनिमेशन फिल्म यूनिक और बियॉन्ड इमेजिनेशन इसलिए है क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टोरी है, स्पेशली जो इमोशंस हैं, उनको इतना परफेक्टली स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जा सकता है, ये शायद इस फिल्म से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा। इस इम्पॉसिबल लगने वाले टास्क को इस फिल्म के क्रिएटर्स ने पॉसिबल बनाया है। फिल्म की स्टोरी एक रोबोट वॉली को फॉलो करती है जिसे इनहैबिटेबल डेजर्टेड अर्थ पर छोड़ा गया है गार्बेज क्लीनअप के लिए। इसी दौरान वो एक दूसरी रोबोट से मिलता है, उससे प्यार करने लगता है और फिर वो दोनों साथ में एक ऐसी एडवेंचरस स्पेस जर्नी पर जाते हैं जो पूरे मैनकाइंड की डेस्टिनी बदल देती है। ये अमेजिंग फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है एवेटार। इस बियॉन्ड इमेजिनेशन फिल्म ने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े थे और ये नियरली पूरे डिकेड तक हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म वर्ल्ड वाइड रही। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म एवर बनाया इसके कंसेप्ट, थीम, आउटस्टैंडिंग विजुअल्स, सिनेमेटोग्राफी और परफेक्ट डायरेक्शन ने। इस फिल्म की स्टोरी मिड 22nd सेंचुरी में सेट है, जब ह्यूमंस एक रेयर प्रेशियस मिनरल की माइनिंग के लिए एक हैबिटेबल मून पेंडोरा को कॉलोनाइज करते हैं। अब माइनिंग कॉलोनी के एक्सपेंशन से वहां के लोकल ट्राइब की एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ बेसिक ओवरव्यू है स्टोरी का, इसके अलावा फिल्म में बहुत से एडवेंचर्स और इमोशंस हैं आपके लिए। दोस्तों, ये फिल्म स्पेशल बनी क्योंकि इसे बनाने में सालों की मेहनत लगी। फिल्म इतनी सक्सेसफुल रही कि जेम्स कैमरून ने 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो के प्रोडक्शन में इसके 4 सीक्वल साइन किए, जिसमें से एवेटार 2 और 3 की प्रिंसिपल फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है और एवेटार 2 की रिलीज डेट 16th दिसंबर 2022 फिक्स की गई है। फिर भी कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी रिलीज डेट 8 बार डिले हो चुकी है, तो दिसंबर 2022 का वेट कीजिए और तब तक एवेटार पार्ट 1 को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं हिंदी में। Way I had it figured, Turok is the baddest cat in the sky. Nothing attacks him. Easy boy. So why would he ever look up? But that was just a theory. नंबर 1 पर है इंसेप्शन। ये एक साईफाई एक्शन फिल्म है और आज तक बनी सबसे बेस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन या कहें कि सबसे बेस्ट यूनिक कंसेप्ट मूवीज में से एक है। क्रिस्टोफर नॉलन की हर एक फिल्म एक्सीलेंट होती है। वो ऐसे आइडियाज़ और ऐसे कंसेप्ट पर फिल्म बनाते हैं
जो शायद अपकमिंग फ्यूचर में भी उनके अलावा कोई और सोच नहीं पाएगा। दोस्तों, इस एक्सीलेंट साइफाई फिल्म की स्टोरी ऐसे एक थीफ को फॉलो करती है जो ड्रीम शेयरिंग के जरिए लोगों के सपनों में घुसकर सीक्रेट्स चुराता है। स्टोरी तब इंटरेस्टिंग बनती है जब इस थीफ को एक पर्सन के माइंड में आइडिया इम्प्लांट करने का टास्क मिलता है। ये तो सिर्फ स्टोरी का ओवरव्यू है, पूरी स्टोरी तो एक माइंड बेंडिंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपको देगी और फिल्म की लीड स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस एक भी मिनट आपको बोर नहीं होने देगी। जब 2009 में इस फिल्म का कंसेप्ट और आइडिया कुछ क्रिएटर्स के सामने रखा गया था तो सभी का मानना था कि एक डिजास्ट्रस फिल्म रहेगी, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल फिल्म रही जिससे ये साबित हो गया कि ऐसी यूनिक कंसेप्ट मूवीज के लिए फैंस के दिल में हमेशा जगह रहती है। What's the most resilient parasite? An idea. A single idea from the human mind can build cities. दोस्तों, ये था मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन वीडियो सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 3 भी मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊंगा। तब तक आप कमेंट में मुझे बताइए कि पार्ट 2 आपको कैसा लगा, क्या कुछ मैंने मिस किया और पार्ट 3 में आप कौन सी मूवीज चाहते हैं। दोस्तों, अगर ये फिल्म्स आपको देखने को नहीं मिल पा रही हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं या फिर इंस्टाग्राम पर हमसे कॉन्टैक्ट करें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली सॉल्व की जाएगी। बेस्ट मूवीज़ और टीवी शोज़ की रिकमेंडेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करके सपोर्ट कीजिए, द चॉइस बॉक्स फैमिली को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है और बांट के देखिए बहुत अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।